सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में आपका जो ऑफिस का जो टाइटल बार कलर रहता है दोस्तों, उसका जो बैकग्राउंड कलर रहता है उसको कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक शाड़ बार करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 का ऐप है ओपन कीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फाइल में जाइए दोस्तों, जाने के बाद ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में जाने के बाद जनरल सेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है पर्सनलाइज योर कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑफिस थीम, तो उसको एक्सटेंड कीजिए। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डार्क ग्रे, वाइट और कलरफुल। कलरफुल तो बाय डिफ़ॉल्ट है दोस्तों, अगर आपको वाइट करना है तो यहाँ पे डार्क ग्रे जो भी आपको रखना है उसका बैकग्राउंड आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए, आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टाइटल बार का बैकग्राउंड है दोस्तों अभी चेंज हो गया है। तो अगर आपको पर्टिकुलर हर ऐप में करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक ऐप ओपन कीजिए, ये स्टेप फॉलो कीजिए, वो ऑटोमेटिक सारे ऐप्स के लिए सेट कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेट किया था, वो ऑटोमेटिक पावर पॉइंट और एक्सेल में भी ले लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, उसके जो टाइटल बार का कलर रहता है, बैकग्राउंड रहता है दोस्तों, आप इस तरीके से ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों इस वीडियो में बताने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो किसी भी रीज़न से दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।